ये देखो अगला क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज, आप देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन है, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, तो हम क्यों ना पी को कॉस थीटा कर दें, साइन को क्यू को साइन थीटा कर दें, पी को कॉस थीटा कर दिया और क्यू को साइन थीटा कर दिया, ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है जो गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखो पी प्लस क्यू पूछ रहा है, तो पी प्लस क्यू क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई रूट टू प्लस साइन थीटा बाई रूट टू, ठीक है, फाइनली क्या बन गया, ये रूट टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास ये बन गया। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू आप कितना जानते हो, वन होता है, तो वन तो मैक्सिमम टाइम रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू के फाइनली वैल्यू आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है, इतना आसानी से आपको बता दिया, रूट टू फाइनली क्यों आएगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है तो रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू होगा, ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था।